हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट की काउंसलिंग चल रही है और इस बार जो है नीट की काउंसलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और वो स्टेट वाइज काफ़ी डिफरेंस हो रहा है उसमें मेरिट में। कहीं किसी स्टेट में लाखों में जो है MBBS की सीट मिल रही है, कहीं हज़ारों में ही सीट ख़त्म हो जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे पास एक न्यूज़ है कि एक स्टेट में 6,96,821 रैंक पर MBBS की सीट मिली है। तो हम आपको दिखा देते हैं पूरी न्यूज़। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपको नीट से रिलेटेड और मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी हम आपको सबसे पहले देते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वेस्ट बंगाल नीट की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट है, जो कि देख सकते हैं आप, जो कि 146 रैंक से स्टार्ट हुआ है MBBS। तो देखिए इसमें लास्ट दिखा देते हैं आपको कहाँ तक मिला है। तो नीचे चलते हैं तो देखिए सब MBBS की सीट है ये वेस्ट बंगाल की। फ्रेंड्स ये देखिए सबसे नीचे आ जाते हैं, देखिए फ्रेंड लास्ट में ये 6,96,821 रैंक पे ये MBBS मिला है इन्हें, SC कैटेगरी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता। तो ये गवर्नमेंट इन्हें कॉलेज मिला है 6,96,821 पे। ये मतलब ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इस बार कि इतने रैंक पे भी कॉलेज मिल गया है और वहाँ और उस दूसरी तरफ किसी स्टेट में हज़ारों में भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स, तो इस बार जो है नीट की काउंसलिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप देख सकते हैं। तो देखिए लाखों में 6-6 लाख पे MBBS की सीट, 6 लाख रैंक पे भी MBBS की सीट मिल रही है। तो फ्रेंड्स यही है इतना ही। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि अब नीट का एग्ज़ाम साल में दो बार होगा और इसी साल जो है आपका नीट का एग्ज़ाम दिसंबर में दोबारा होना है। तो अगर आपका इस साल इस बार जो है नीट में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप निराश ना होइए और तैयारी करते रहिए, क्या पता आपका दिसंबर में हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।